आपके तरफ बनेगी, आप डटे नहीं डट सकते। एक घर का सदस्य शराब पीता है और मेरे ख्याल में 100 रुपया की बोतल आती होगी कम से कम, न तो जान नहीं, और वह एक दिन में वो 100 रुपये की बोतल ज़रूर ख़राब कर देता होगा। और एक व्यक्ति बीड़ी पीता है, आजकल तो 5-6 रुपये का बंडल हो रहा होगा, दो दो बंडल पी जा कम से कम, आप पीवा फिर पड़ोसी मांग ले दी एक बीड़ी, माचिस का खर्चा नहीं आ रहा। यानी एक महीने में 50 रुपये की शराब और 10 रुपये की बीड़ी, 60 रुपये कितने हो गए, 1800 रुपये महीने का खर्चा, और माचिस रहेगी नारी, और कोई भुक्की खावे है और कोई पान खाकर पिच थूक है, क्यों मतलब है आयो, खाने की चीज़ रोटी खाओ भाई, सेब संतरे खा लो, पान खावे लाल मुँह हो थूकें उड़े बुरा हाल कर दें, तो इस तरह तम्बाकू खावे, तम्बाकू खाने की चीज़ है, कमाल किया, सेब खाओ संतरे खाओ काजू खाओ, तो इस तरह की बकवादियाँ त्याग देने से बहुत पैसा बचता है। उस पैसे को आप परमात्मा के लिए दान में, आने और जाने के किराए में लगाओ। आपके यहाँ आने का किराया का जो पैसा है आने और जाने का, वो भी आपके पुण्य में गिनती होता है। पुण्यात्माओं देखो, जो जिनको ये ज्ञान नहीं उन्हें तो माया माया दिखा है। अब जैसे एक किसान था, एक किसान खेत में गेहूं बोवा था, बीज रहा था, और गेहूं कैसे बीजते हैं, एक लोहे की पाइप सी होती है और उसका ऊपर का हिस्सा कीप जैसा होता, ऊपर से खुला नीचे से पाइप, और हल्के पीछे बांध के बैल जोत के, और उस पाइप में के गेहूं जमीन में डाले जाते हैं। हल्स की फाली जो होती है गेहूं में खूड बनाती चलती है, एक लाइन सी खींच देती गहरी, और उसके अंदर से गेहूं डलता चला जाता है मिट्टी में, बीज वो गेहूं के दाने, और ऊपर से मिट्टी ऑटोमेटिकली उस पर आ जाती है। एक कोई व्यक्ति था जो शहर में जन्मा, शहर में ही पला, और उसकी नौकरी लग गई यहाँ एक रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। वो पहली बार आया गांव अपनी ड्यूटी पर, उसने देखा किसान खेत में गेहूं बोए था, वो देख के खड़ा हो गया, भाई वो क्या कर रहे हैं। उसने देखा कि गेहूं को एक थैले में डाल रखा काख में, और उसमें से उठा उठा कर पाइप के माध्यम से मिट्टी में गिर रहे हैं, जमीन में डाल रहा है। तो उसने, उस शहर के बाबूजी ने कहा, भाई रोकना रोकना रोकना, कहाँ रुक गया भाई, क्या बात है। किसान ने सोचा कोई रास्ता पूछता होगा, उसने बैल रोक लिए। वो कहने लगा, तू क्या कर रहा है। अक मैं गेहूँ बो हूँ। किसान बोला, मैं गेहूँ बो रहा हूँ। उसने कहा, तू तो गेहूँ को बर्बाद कर रहा है, पता है देश में वैसे खाद्य सामग्री की कमी है और गेहूं की कमी है, तू नाश कर रहा है, जमीन में बर्बाद कर रहा है। और उसने तो गेहूं देखे थे अपने ठेकिया में, लोहे की टंकिया में, और उसी से निकाल कर माता पिसवाया करती थी और रोटी बनाती थी। तो वो उसी दृष्टिकोण से उपदेश दे रहा है कि ये तो बड़े सुरक्षित रखने चाहिए, लोहे की टंकी में रखने चाहिए, इनमें तो हवा भी नहीं लगनी चाहिए, अरे तू मिट्टी में डाल रहा है, ए? तेरा दिमाग खराब हो गया है। अब वो किसान ने सोचा, ये गुगू किता है क्या, इन्हें ना मेरा यू मन शिक्षा देने लग रहा। उसको जानता गया कि यू कितना चिड़ियाघर में आया है। तो वो कहने लगा, उसने समझाया कि बाबूजी बात सुनो, मैं गेहूं को बर्बाद नहीं कर रहा, ये आज जो मिट्टी में डाल रहा हूँ आपकी दृष्टि में ये बर्बाद होते दिखे हैं, ये मुझे आबाद करेंगे। आज से 4-5 महीने के बाद आज मैं 1 एकड़ में 40 किलो गेहूँ डाल रहा हूँ मिट्टी में, और ये 70 मण, 1 मण में 40 किलो होते हैं, ये 70 मण होंगे इसमें। अब उसके आवाज समझ में नहीं आया क्योंकि वो प्रोसीजर से परिचित नहीं था। अब किसान उस शहरी बाबूजी की बात ने कैसे माना है, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल किए हुए। तो 5-4 महीने के बाद फिर उसको दिखाया कि वो आया, जब गेहूँ पक गए, एक दाने से एक समूह बना, गुच्छा बन गया, उत्पन्न हुआ,
और प्रत्येक में 10-10, 15-15 गुच्छे बन गए, उनमें फिर बाली, प्रत्येक में एक बाली में 20-20, 30-30 गेहूँ, तब उसका विश्वास हुआ, कहा सच्ची भाई तो ठीक है था। तो पुण्यात्माओं, आज जो इस ज्ञान से परिचित नहीं है, आप जी यहाँ आते हो, दान करते हो, तो वो आपके हो सकता परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं इस प्रकार के, जो आपको कहेंगे कि तू नाश करेगा, तीसरे दिन सत्संग में चला जाता है, दान करते हो तुम, न शर्म नहीं आती, पैसा कितना होगा, 100 प्रकार के अड़चने पैदा करते हैं। लेकिन आप जी परिचित हो इस मार्ग से, आप उनकी बातों में नहीं आ सकते, क्योंकि उनको तो आज आप बर्बाद करते नजर आते हो, जैसे उस शहरी बाबूजी ने लगे था, शहरी बालक ने लगे था कि ये किसान नालायक है, और किसान को पता था क्योंकि वो प्रैक्टिकल कर रहा, तो उसकी बात में वो नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी कहो वो। तो पुण्यात्मा, आपकी सची इस ज्ञान से इतनी हो जानी चाहिए कि संसार कुछ भी कहे, अगर आपने उबरना है तो यही तरीका और दूसरा नहीं। ये ना जाने कितने वर्षों के बाद ये एक सत साधना प्रारंभ परमेश्वर करवाता कबीर जी, किसी जीव के बस का नहीं ये कार्य प्रारंभ हो सके। आप जी ने प्रैक्टिकल भी देख लिया, कितने संत हैं बिना गिनती के, और किसी के साथ कोई खींचातानी नहीं, और इस दास के साथ कितना जुल्म करवा डाला इस काल ने, जनता को भड़का कर, राजा को, प्रजा को पीछे ला कर, क्यों उसको पता था तेरा नाश होगा, इनको तो सच्चाई का पता लग गया, सब भाग जाएंगे यहाँ से सतलोक में, और लेकिन ये परमात्मा ने चला रखा है, ये जीव के बस का नहीं है, और जीव इसको चला भी नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, जैसे एक पहले ये दास गांव गांव में पाठ करने जाया करते थे, स्टार्ट जब किया, एक घर में हम पाठ करते थे 3 दिन का, जैसे ये खंड पाठ दोनों तरफ चल रहा है ऐसे, तो 3 दिन मालिक की वाणी ये ज्ञान वहाँ चलता था, और दिन में भी रात में भी सत्संग करके परिवार के सदस्यों को या आसपास के आ जाते उनको खूब अच्छा रगड़ा लाया करते ज्ञान का, 3-4 दिन मिल जाते थे हमने, तो उनको ज्ञान से भी हम ज्ञान से भी परिचित करवाते, और फिर उनके दुख तो इतने दूर हुए गिनती नहीं हो सकती। तो ऐसे फिर वो पाठ का उन्होंने महत्व का पता लग गया। एक भक्त ने चौबारे बनवाए, उनके कवाड़ ना चढ़े थे किवाड़, और उधर से पाठ रखवा दिया। हम पाठ करने गए हुए थे, जिसके घर पर पाठ हो रहा था उपदेशी थे, उनका खुद भाई दूसरा, वो नाम नहीं ले रखा था, उपदेशी नहीं था, फिर दो उपदेशी नहीं है ज्ञान से परिचित नहीं, उसके विचार तो ऐसे ही होते हैं। कहता एक रिश्तेदार आ गया, बहन का बटेऊ पति, और बच्चे बोले फूफा जी आप पियो दारू और बीड़ी, आज हमारे पाठ चल रहा है, आप हमारे दूसरे अंकल का चले जाओ, चलो वहाँ छोड़ आते हैं। वो बोला मैं आपा चला जाऊँगा वहाँ, तुम घनी छोड़ गाओगे, यानी महसूस सा किया, खाना खुना भी उसको वहीं खिला दिया। तो उसके जो दूसरे चाचा ने उस रिश्तेदार को खूब पढ़ा दिया कि नाश करेंगे, चुबारे बनवाए थे ऊपर और उनमें कवाड़ ना चढ़वाए गए, 2500 रुपये पाठ खिला दिए। पहले वहाँ घर में हम पाठ करते थे, 2-2500 रुपया खर्चा होता था, 2500 रुपये पाठ खिला दिए और कवाड़ ना चढ़वाए गए, देख नाश करेगा यूँ। अब वो रात में तो पी रहा था, सवेरा जब हम जा लिए उसके बाद आया, तीसरे दिन भोग लग जाता था, हम 1-2 बजे वहाँ से प्रस्थान कर जाते थे, तो उसके बाद बताओ थे जी फिर आया हमारा रिश्तेदार हमारे पास, और हमने शिक्षा देने लग गया, कहना तुमने तो नाश करना है, क्यों बर्बाद करते हो, यू के पाठ पाखंडी आ रहे थे, अच्छे अदबे पाठे थे और कुआड़ ना चढ़वाए गए तेरे पे और 2500 रुपये खर्च कर दिए तेने। तो वो कहने लगा देखो कमाल की बात, वो स्वयं दारू पीवे बीड़ी पीवे और सारे उल्टे काम करे और भगत ने शिक्षा दे, भगत ने यू के कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो भगत उसकी क्यों कुर्बानेगा जिसने इस ज्ञान कर, उनके घर पैसा दुख था परमात्मा ने दूर किया, वो ना बताया उस पड़ोसी ने, फिर उसको समझाया कि कुआड़ भी चढ़ देंगे सारे काम होंगे,
क्वाड के बिना तो डरेंगे। और ये काफी समझाने की चेष्टा की पर वो नहीं माना। फिर वो कहने लगे हम भी ना माने, हम क्यों मानना थे उसके, जब वो हमारी अच्छी बात ना नहीं मानता तो हम भी नहीं मानते, हम भी नहीं माने, हम कैसे मान जाएं। एक मजाक का चुटकला है, एक टीचर क्लास में बैठा था और बच्चे शरारत कर रहे थे। एक व्यक्ति आकर बोला मास्टर जी कहाँ भाई अगे बच्चे नहीं डरते आप ते। उन्होंने बोला मैं के डर हूँ इनते, मैं भी ना डरता। तो भाई वो ना मानेंगे तो हम भी ना मानना उनकी, सीधी सी बात है। अब परमात्मा क्या बताते हैं, लागी का मार्ग और है, लागे चोट काल जा करके, लागे चोट काल जा करके, लागे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है, लागे चोट कले जा करके, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताने निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताने निशाना, कोई घड़ी सदी थी आवण की साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवण की साधु का हो गया आना, कोई मुआ मर्ग जवा दियो नहीं तो तारे धरो ने बाणा, ये मुआ मर्ग जवा दियो नहीं तो तारे धरो ने बाणा, वो जिंदा कर दिया डोर था शिष बनया परीक्षा करके, शिष बनया परीक्षा करके, शिष बनया परीक्षा करके, लागी का मार्ग ओर है, लागे चोट काल जा करके, लागे चोट काल जा करके, लागे चोट कले जा करके, लागी का मार्ग और है, लग चोट कले जा करके, गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गुरु महल जनाने बेज तेरे डोडी में अलख जगाना, गुरु महल जनान बेजते डोडी में अलख जगाना, व्यंजन छती सो त्याग के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन छती सो त्याग के भिक्षा का भोजन खाना, तन पड़ गया कम जोर था ना खाया उधर भर के, ना खाया उधर भर के, ना खाया रे उधर भर के, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके, लग चोट कले जा करके, लग चोट काल जा करके, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ, उठन वाली चीज रही ना गया ओढ़ सलानी सुआ, रही उठन वाली चीज नहीं गया ओढ़ सलानी सुआ, कुछ नकसक बिगड़िया है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नकसक बिगड़िया है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, जिन किया अचंबा
गोर था तजराज काल से डर के, तजराज